महेश देगा बराबर 1/10 इंटू 1/2 1/20। रमेश देगा बराबर 1/10 इंटू 1/2 बराबर 1/20, क्योंकि दोनों ही इक्वली या समान अनुपात में, तो समान को हमेशा एक एक बोला जाता है। तो अपना सवाल कुछ ये था कि महेश और रमेश का रेशियो है 5:3, कैलाश आया 1.10 के लिए, और इसने अपना शेयर महेश और रमेश से इक्वली लिया। तो इक्वली जब लेता है तो हमेशा एक एक से किया जाता है। तो महेश देगा बराबर 1.20, रमेश देगा 1.20, तो महेश का नया अनुपात हो जाएगा महेश बराबर 5/8। 5/8 मीन्स 5 और 3 8, तो 5/8 माइनस 1/20। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20 × 8 160, 20 × 5 100, और 8 × 1 8, तो यह आया 92/160। फिर महेश के बाद रमेश का निकालेंगे, तो रमेश का रेशियो हो जाएगा 3/8 माइनस 1/20 बराबर 20 × 8 160, 20 × 3 60, और 8 × 1 8, ये हो गया 52/160। फिर अपन निकालेंगे कैलाश का, इक्वली करेंगे, तो यहाँ पर कैलाश का रेशियो अपने पास 1.10 है और इसका रेशियो 160 है, इसका 160 है, तो मुझे कोई ऐसा डिजिट चाहिए जिसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 160 आ जाए। तो यह मैं मन से ले लेता हूँ 16, तो यहाँ 16 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/160 आ जाएगा। अब तीनों का कॉमन हो गया है, 160 160 160, कट कर लेंगे, तो यहाँ पर रेशियो आया इनका 9:2:5:16। 2 की टेबल से काट देते हैं इनको, 4 और 6 2 और 6 और 8, वापस 2 की टेबल से काटते हैं तो 23 1 और 3 और 4। तो यहाँ पर इनका न्यू रेशियो बनेगा 23:13:4। तो यहाँ पर महेश रमेश और कैलाश का नया अनुपात हो जाएगा 23:13:4।